तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए बैटमैन थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी थीम्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रही थी गाइस इस थीम्स के ऊपर, तो आज फाइनली इस थीम्स को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप वीवो के फ़ोन में बैटमैन की थीम्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके की ये थीम्स होने वाली है। तो यार वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर पाएं। मैं जिसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लें, और वहाँ पर अगर आपका कोई टॉपिक है तो यार वहाँ पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट करते हैं आप लोग। तो यार कमेंट में सारी नहीं पढ़ पाता क्योंकि बहुत सारी कमेंट आती है, तो शायद मैं कमेंट मिस कर देता हूँ जिसकी वजह से शायद नहीं पढ़ पाता। तो यार आप अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो उसके आप उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कोई भी टॉपिक है तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ। यार ये जो मेरी थीम्स है बैटमैन की, कुछ इस तरीके की होने वाली है। मैं अप्लाई करके आप लोगों को फुल रिव्यू दिखा देता हूँ इसका। तो यार अप्लाई करने के बाद जो है ना, मेरी ये जो थीम्स है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भी आप देख सकते हैं कि लुक जो मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से इस थीम्स को मॉडिफाई कर दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी बैटरी से। तो यार बैटरी जो है वो मैंने यहाँ पर आपको रेडमी वाली जो बैटरी है वो मिल जाएगी। एम आई वाली जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। इसमें क्लुक वगैरह जो है कुछ इस तरीके की मिल जाती है, और होम स्क्रीन आप देख ही रहे हैं, वॉलपेपर बैटमैन का आपको देखने को मिल रहा है। कितना प्यारा वॉलपेपर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपकी इस थीम्स के साथ थीम को दे रहा है। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसके आइकन की। तो यार आइकन जो है वो कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल के और नए आइकन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर लग रहे हैं। अदरवाइज किसी भी आइकन में आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए गाइस जब बात करते हैं इसकी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसका शॉर्टकट सेंटर्स ले लेते हैं। तो यार शॉर्टकट सेंटर्स जो है आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा ब्लू कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपके फ़ोन को देगा। चलिए बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की। तो यार नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको बैटमैन का लोगो मिल जाएगा, यानी कि बैटमैन का वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। बात करें यार सेटिंग्स की, तो यार फ़ोन की सेटिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। कुछ इस तरीके की फ़ोन की सेटिंग्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैटमैन का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इसके साथ साथ गाइज हम बात करें इसके डायलर की, तो डायलर भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं डायलर जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, देख सकते हैं कि किस डायलर में कोई भी कैसा भी बक्स नहीं है। चलिए गाइज बात करते हैं इसकी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसकी लॉक स्क्रीन। तो यार लॉक स्क्रीन को हम लॉक करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लॉक स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपके फ़ोन को दे रही है। लॉक स्क्रीन और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है थीम्स में। मैं नीचे लिखा हुआ बैटमैन काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में आपको बैटमैन लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि सच में यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो भी बैटमैन के फ़ैन है उनको तो ये थीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। तो आई होप ये थीम्स और वीडियो दोनों ही आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर पाएँ। अब बात करते हैं गाइज इस थीम्स को कैसे आप यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने थीम्स का लिंक दिया है, वहाँ से थीम्स को डाउनलोड करना है, अप्लाई कर लें अगर आपको अप्लाई करना आता है तो। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो यार मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि अप्लाई कैसे करें, उसे देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों को थीम्स का लिंक डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो यार उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि थीम्स को कैसे डाउनलोड करें, तो उसे देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आपको डाउनलोड करना आता ही होगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज आपको थीम्स कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।